हमारी देवी माता का मंदिर। मेरी खटी राड़ी गई, मेरी सैंडल टूट गई। लगी इनकी भेंट। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो हेलो नमस्कार प्रणाम और पहला गा सभी को मेरा। तो जैसा कि दिख रहा होगा कि आज मैंने सूट वूट पहना है, तो आज कुछ खास ऐसा है कि हमारे गांव में दो जाति के लोग रहते हैं, मतलब दो कास्ट हैं, एक है बिष्ट और एक है रावत, जिनको मयाल बोला जाता है, मयाल रावत। तो आज उन लोगों की, मयाल जो रावत है उनकी पुजाई है, तो बस मैं उन्हीं की पुजाई में जा रही हूँ। और बाकी सब लोग तो निकल चुके हैं, बस अब मैं रह रही हूँ नीचे से, मेरी बहनानी बाकी है। तो चलो पहुँचते हम ऊपर, है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, खैर है जानवल। तो चलो भाई ऊपर मिलेंगे अब आपसे सबके साथ, मतलब आज गांव में भीड़ भी है। चलो 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 भाई चप्पल दान, अभी तो हमको बहुत लंबे रास्ते जाने हैं भाई। हम अभी नंगे पैर चल रहे हैं क्योंकि मंदिर में ले जाते नहीं है चप्पलों को। कांडा चुम गो ढूंगा चुमना छे कांडा भी। अभी तो खुटुमा ये हमारा खेत है, बंजर अच्छी होते कुमचर अच्छी। तुम तो खैर आ गया क्या, कुछ नहीं दिखे मती। ये देखो एक तो रास्ता भी नहीं है, पूजा वहां चल रही है। ये रास्ता हम तो 5 5 कितनी आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने के लिए फिर हमारे गांव के दिन में आए थे, और वो है हमारा दीवा का मंदिर जहां हमें जाना है अभी। चलो आओ नंगा खुटुल तो पता नहीं हिटेणु टाणा। दीवा माता सब पे कृपा बनाए रखे और सबकी रक्षा करे। तो ये है हमारी दीवा माता का मंदिर। और ये हैं यहाँ के नजारे। अभी मैं बुआ के साथ ऊपर गई थी क्योंकि बुआ अकेला थी, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा था। और हम लोग दीवा के मंदिर में भेंट चढ़ा के आए। मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे हमको नंगे पैर जाना था एक तो, और ऐसे ऐसे वाला रास्ता था वहाँ, और पत्थर चुभ रहे थे। तो बस हम लोग फटाफट नीचे आए, उसके बाद दिखाती हूँ आपको यहाँ का सीन। यहाँ पे भी देवपुर वगैरह हो रही है, आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे, और सब अभी मतलब देवी वगैरह नाच चुके हैं। अभी उनको मतलब शायद भोग भोग लग रहा है। फिर उसके बाद गांव में भी जितने भी लोग ऊपर आए हैं, क्योंकि सारा गांव आया ऊपर, तो सब बैठे हुए हैं। अभी दिखाती हूँ आपको वहां का सीन। तुम कुड़िया पर किले बैठे जाओ, हाँ पह रही तुम। तो ये देखो यहाँ पे भी सब के सब, अरे ताई ने सर पे क्या रखा है, चावल। ये देखो
और वहाँ पे पूजा वगैरह चल रही है और अभी इधर बैठे हुए हैं। ओए रौनक, कहाँ चाह चू ये हंस तो घूर रहा है, वो घूर रहा है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखो टी टी नी टी नी नी नी। तो ये देखो, ये है हमारे यहाँ का बजरंगबली का मंदिर। तो बजरंगबली से बोलना सब पे कृपा बनाए रखना, ठीक है? जय और ये है हमारे यहाँ का दुर्गा माता का मंदिर, ये देखो। जय माता रानी, कृपा बनाए रखना सब पे। चलो भैया पीछे का व्यू दिखाते तुमको। तो ये है हमारा गांव और ये है हमारे बगल वाला गांव जिसका नाम है कोला दरिया, और वो है तलमटेला गांव, और इसके इधर नड़िया लाछी वाला सीन है। और यहाँ देखो, ये सीसी मार्केट है में जो मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में, ये देखो। और ये हमारे यहाँ का पेड़ सूख गया है जो मंदिर में हमेशा सदाबहार रहता था। हेलो, क्या हाल छी भाई? तुम क्या करना चाहो या खमू? हम बैठा चाहो घान तपना चाहो। अच्छा, ज्यादा चलाती है ये? कौन चलाता है ज्यादा है? तेरे को आती गढ़वाली? नहीं आती, थोड़ी सी भी नहीं। बोली जरा अपन नाम बता दे गढ़वाली, बताई। अबे शर्माने के लिए चाहिए ये तो लौड़ी जन शर्माने चे। ये इधर मजे चल रहे बच्चे पार्टी की। ले दिखाओ, लग गई इनकी भेंट। तब यहाँ पे भेंट चढ़ रही है सबकी, सब अपनी बारी का वेट करते हुए। ये देखो, दो 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 दो। पहले तेरे को भेंट लगी ना कि लाई? ये लड़की अपने माई की आ रही है, और इसकी आगे बहुत और ये 20 है, इसलिए इसको सबसे पहले भेंट लगी है। देखो इसने सबसे पहले भेंट चढ़ाई। ये हटो ऐसे थे तिथई लेन मिल। ये देखो निशान, जरूर और ये भैया है जो स्पेशल पुजाई के लिए दिल्ली से आए, और भाभी भी दूसरी बार आए ना। ये हमारी काव्या है जो कि सो चुकी है इसे। ओ भाई ये सो, इसको उठाओ, भेंट लगा लगा दी इसको। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। वही तो, ये दिन बहुत कभी कभी आते हैं। आप तो साल भर में एक चक्कर मारते हो ना? साल भर में एक चक्कर लग जाता है, ऐसे ही मारने चाहिए। हाँ जो भी दिल्ली में है। वही तो, मई जून में हमारी बड़ी पुजाई है, अब उसी में मिलेंगे सबके सब। ये लोग वापिस जाएंगे अभी दिल्ली कोरोना काल में। तो अभी हम लोग कहाँ से, अभी हम लोग मंदिर में मतलब भेंट वेट चढ़ा के आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो दीशा होती है, जिसको दीशा बोला जाता है, दीशा पता किसको बोलते हैं, जो मतलब यहाँ की लड़कियाँ हैं उनकी शादी हो जाती है, जब अपने ससुराल चल जाती है फिर वो पुजाई वगैरह में जब अपने यहाँ आती है तो उन्हें दीशा के नाम से बुलाया जाता है, देवी देवताओं की लैंग्वेज में। तो
पहले सबसे पहले भेंट उन्होंने लगाई, फिर हम लोगों ने लगाई जो हम कन्या मतलब कन्याओं के उसमें आते हैं। फिर अब बड़े बड़े मतलब जो मम्मी पापा लोग हैं उनकी भेंट चढ़ रही है। तो ये देखो ऐसे वाली भेंट चढ़ती है हमारे जो पुजाई वगैरह होती है। तो ये मतलब पंडित जी ने कैसे लगाई थी, जिन पे देवी नाच रही थी उन्होंने भी लगाई थी और जो जगरी थे उन्होंने भी। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या किया था कि एक थाली में चावल थे और सरसों का तेल था, तो उन्होंने हमारे सर पे हाथ लगाया और उसके बाद हमें बोला कि जो चावल होता है जिसको देवी देवताओं की भाषा में मोती बोला जाता है, तो मोती में हमको सर टिकाने थे। तो उसके बाद हमारा सर उसमें टिकाया और फिर हमारे ये टीका लगा है। तो ऐसे ही टीका लगाता है हमारे यहाँ जब पुजाई होती है। तो अभी तो सब भेंट वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद हम सबको प्रसाद वगैरह बटेगा, फिर उसके बाद आज हमारा खाना सबका गांव में ही है क्योंकि पुजाई है, जिन लोगों की पुजाई है तो उनकी तरफ से ही मतलब पुजाई का खाना वाना सब भोग वगैरह और प्रसाद जो बटेगा अभी। तो चलो चलते हैं अभी। मैं यार मनता फार भी हो मजाना भी करूँ जब हर वक्त भी हूँ, पर क्या करें अभी नहीं जा सकता कि लगे मैं भी लौड़ी था जान दू नहीं चुजी भी हूँ। ये देखो कैसे बैठे हुए पुराना तगड़े मिल गई रे। ये देखो तुम कुमर भी राणा छो क्या है? ये देखो ये किलिया बैठा वाला इन बंडा चाहो भारतीय बोले समय बंडा यूल भी लुके याल यूल भी लुके याल मुख और यहाँ बन रहा प्रसाद। देखो ये देखो इसमें खोक है, पूरी है, पकौड़िया है और सब यहाँ पे प्रसाद बांटना शुरू हो गया। देखो और ये फलों वाला प्रसाद चंपू भाई और कोई रह गया प्रसाद शीत देखिए खन्ना खन्ना आ। तो अभी हम लोग मंदिर से नीचे आए। देखो क्या मिला मुझे, मैं जब ऊपर देवी माता के मंदिर गई थी तो मुझे ये मिला था जिसको छूता बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जब मैं देवी माता के मंदिर से आई थी तो मुझे एक चीज़ मिली थी, ये शायद पहाड़ी लोगों को पता होगा या जिसके यहाँ चीड़ के पेड़ होते होंगे उनको पता होगा, इसको हमारे यहाँ छूता बोलते हैं। और इसके अंदर जो बीज बैस तो ये अभी खुल गया पर यह से पूरा बंद होता है और इसके अंदर छूते के बीज होते हैं, फिर ये जल के जब इसको पकाते हैं ना, नहीं इसको पकाते जब तो ये खुल जाता है, ऐसे इसको खोलना पड़ता है और फिर इसमें इसके जो बीज होते हैं उनको खाते हैं और वो बहुत टेस्टी होते हैं। क्योंकि अब हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं कहाँ मतलब घर की तरफ को, तो अब हम लोगों ने चप्पल पहन दी क्योंकि हम लोग आधे रास्ते में चप्पल उतार के गए थे क्योंकि मंदिर में चप्पल ले जान नहीं जाते पुजाई में, चाहे कितनी भी चढ़ाई चढ़नी हो तो उसमें नंगे पैर ही जाया जाता है। हमारे गाँव की डिग्गी एक ही बटान हमारे पैर मैं चप्पल टूट गई क्या ना। तो अभी आधा लोग तो मथी छी और मैं ये थे लेके ताले गई एक हम ना मुर्गू कारखाना थी मुर्गे मतलब यहाँ पे हमारे एक चाचा जी हैं मतलब दादाजी लोग हैं उन्होंने मुर्गी का वो खोल मुर्गी फार्म खोला हुआ है। ओके इसका यूज़ इसको पता कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब इसको खा देते ना मतलब इसके बीज खा देते ना तो उसके बाद हम इसका यूज़
घर की डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब इसमें पेंट वगैरह करके बहुत ही सुंदर लगता है, माँ कसम बोल रही हूँ। तो चलो भाई, मेरा चप्पल टूट गया, मेरी खुट्टी रोड़ गई और मेरी सैंडल टूट गई, मेरी खुट्टी रोड़ गई मेरी सैंडल टूट गई। इस कांड को भी अभी होना था, भगवान जी बोल रहे बेटे नहीं, तो अभी भी नंगे ही पैर जा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नंगे पैर ही गाँव को चलते हैं, कहीं पे बैठेंगे क्योंकि अभी खाना तो गाँव में ही है। अच्छा आप अपन नाम बता दे, क्या नाम बता दे बा, जल्दी मम्मी नाम क्या चे? मम्मी नाम हाँ और पापा को ये देखो खाने वालों का नंबर। तो अभी बज रहे शाम के 4 और हम लोग अब जा रहे खाने के लिए। देखो भाजी कम कर दे यार, ये तो भूख लगी ना, इसका भी ठंड लगी जो वी ए एक जगह। हाँ कम कर रहे थे भाजी, कम कर, ये तो भी कह रहे थे। अरे पूरी दाल वाला भी थोड़ी देर तक बैठ रहे ना, देर जा और पूरी दाल थोड़ा दो दे, अभी बुलाओ में दे लगा कि चम्मू। अरे तुम जाए जा और बुरबुरा भाई, अरे वो कहां गया गोपी, ताई जी तौले में बैठ गए आप तो। बस 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 बहुत होगी, बोल पेट पूजा काम करेंगे। टोना ही नहीं दिखी, टोना चुप है चाची, ये देखा तुम्हारी बदलती हो गावा दवा। ऐसे गोरे गोरे भांडे मुझे आए हो तुमने कभी है? गोरे गोरे भांडे। तो ऐसा है कि हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और इस लड़की को देखो, अब ये लड़की भांडे मुझे आके आई है, काले वाले भांडे, और अब ये झूठ है जन बोली, तेरी वीडियो नहीं मिल में वो लौकी अभी ऑफ होगी। ये देखो हमारी कामकाजी लड़की, छिल्ला फड़नी ना तू, छिल्ला फड़नी जा मी फाड़ आज कोठे म्यारे बस चम्मच थी। अपने गांव की एक टेलर से मिलाती मैं आपको, जो दिल्ली से आ रही है स्पेशल सूट सिलने के लिए। नहीं 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 नहीं, ये देखो ये मेरी सूट सिल रही है और ये मेरी सूट सिल रही है। अबे देख ले, अबे देख ले, जिसको सूट सिलवाना वो यहाँ संपर्क करे मेरे नंबर नहीं ना, मेरे नंबर पे नहीं, यूट्यूब पे बता देना, फिर हम आपको बताएंगे दिल्ली में जब इसकी शॉप खुलेगी ना, तो उसके बाद वही देना सारे सूट सिलवाने के लिए, ठीक चू। अब हर एक से भी गया। तो आज हमारा खाना कितने भाई, 5 बजे आज हमारा खाना पता कितने बजे बाद, 4 बजे हमको खाना खाने के लिए बुलाया गया क्योंकि पूजा का खाना ही लेट बना था। हाँ उससे पहले तो हम बहुत कुछ खा चुके थे, नारंगी
छोले रोटे चाय इन्हीं के घर में। तो जब हम लोग पुजाई के बाद आ गए थे, तो पुजाई में ऐसा होता है कि जब पुजाई ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद हमारे यहाँ केर होती है जो 3 दिन की होती है, जिसमें मतलब गांव से बाहर नहीं जाते हैं। और या तो 3 यकुली बोलते हैं उसको, मतलब 3 यकुली होता है 3 टाइम, जैसे सुबह सुबह एक टाइम हो गया, रात को एक टाइम होगा, और अगली सुबह, मतलब 3 यकुली तक बाहर नहीं जाते गाँव से और सफ़र भी नहीं करते। और फिर उसके बाद और जो पूरी केर होती है वो लोगों की होती है, मतलब जिनकी पुजाई होती है उन लोगों की होती है, 6 महीने की केर होती है। जैसे वो मंदिरों में नहीं जाते हैं, भेंट नहीं लगाते हैं, और या तो वो टीका नहीं लगाते, हल्दी का टीका बोलते हैं जिसको। तो बस ऐसे ही होता है कुछ अपने यहाँ पुजाई में। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पहाड़ के एक कल्चर के बारे में और पता चला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ यूँ ही बने रहना। और फिर मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मतलब 10K हो चुके हैं, तो अब इंतज़ार है सिर्फ यूट्यूब का कि उसमें 10K कब होंगे। तो चलो मिलेंगे फिर, बाय बाय।